सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के मानव पुत्र जो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाए, उनसे अलग अलग वंशों की उत्पत्ति हुई। ये कुल वंश भिन्न भिन्न सात गोत्र थे जो धर्मारण्य क्षेत्र में यज्ञ जप तप आदि में संलग्न थे। इन ब्राह्मणों को असुरों द्वारा पीड़ित किया जाता था, जिससे धर्मकाय नष्ट होने लगा। ब्राह्मणों के कहने से त्रिदेवों द्वारा प्रत्येक गोत्र की रक्षा के लिए योगिनी को स्थापित किया। यही योगिनियां उन सात गोत्रों में कुल देवियों के रूप में स्थापित हुई। सात गोत्रों के नाम इस प्रकार हैं: भृगु गोत्र, पुलस्य गोत्र, अंगिरा गोत्र, मरीचि गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, क्रतु गोत्र, पुलह गोत्र। कालांतर में इनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई और इसके बाद इनकी संख्या 56 हो गई। हर एक गोत्र में प्रवर गण और वंशज ब्राह्मण हुए। कुछ गोत्रों में सुयोग गोत्रानुयायी ऋषियों को भी गोत्रवर्धन का अधिकार मिला। आज दोस्तों मैं आपको भारद्वाज गोत्र के बारे में बताने वाला हूँ और इस भारद्वाज गोत्र की कुलदेवी के बारे में बताने वाला हूँ। विंध्य के उत्तरीय भूभाग में ऋषि भारद्वाज से जो वंश परंपरा प्रारंभ हुई, वे सभी भारद्वाज कहलाए। भारद्वाज गोत्र में तीन प्रवर हुए हैं: अंगिरा, बृहस्पति और भारद्वाज। भारद्वाज गोत्र का उपवेद धनुर्वेद है और समय आने पर इसे कनिष्ठ पुत्र को देना पड़ता है। भारद्वाज गोत्र का सूत्र कात्यायन है और भारद्वाज गोत्र का आस्पद द्वेदी, पाठक और उपाध्याय पांडे हैं और भारद्वाज गोत्र की कुलदेवी श्री माता है। श्री माता के आप दर्शन करना चाहते हो या श्री माता के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद, कवच धारण करने के बाद और माता रानी की साधना करने के बाद हो सकता है कि आपको श्री माता का स्वप्न आ जाए। तो दोस्तों ये भारद्वाज गोत्र के संबंधित जानकारी थी। भारद्वाज ऋषि की पत्नी के बारे में कहा जाता है कि द्रोणी इनका नाम है और जिनके पुत्र के रूप में द्रोणाचार्य का नाम बताया जाता है। भारद्वाज ऋषि के माध्यम से ही भगवान श्री राम का जो महात्म्य था, उनका जो ग्रंथ था, वो जन जन तक पहुंचा। उन्होंने श्री राम की महिमा जनमानस में प्रतिस्थापित करने में बहुत सारा प्रयास किया और भारद्वाज ऋषि की कई महिमा है। तो दोस्तों आगे आने वाले जो मेरे वीडियो हैं, बाकी सभी गोत्र और उनकी कुलदेवी के रूप में आने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी कुलदेवी का स्वप्न कैसे पाएं या कुलदेवी का साक्षात्कार कैसे पाएं या किसी पंडित के माध्यम से या किसी बाबा के माध्यम से आपकी वर्तमान कुलदेवी का नाम जानना चाहते हो, तो निश्चित ही आपका नाम, आपका गोत्र और आपका कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें। जय माता दी, जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।